हेलो स्टूडेंट्स, मैं अज़हर एक बार फिर आपके सामने हूँ आपके ऑनलाइन क्लासेस में। तो स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास। आज करेंगे हम एक्सरसाइज 3.3 एंड इट्स फर्स्ट क्वेश्चन इज इन विच क्वाड्रेंट और ऑन विच एक्सिस डू ईच ऑफ द पॉइंट्स -2.4, -3.-1, -1.0, -1.2 and -3.-5 लाई। वेरीफाई योर आंसर बाय लोकेटिंग देम ऑन द कार्टेशियन प्लेन। तो यहाँ पर कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं, हमें ये बताना है ये किस क्वाड्रेंट में लाई करते हैं या किस एक्सिस पर आते हैं, ओके और उसको हमें लोकेट भी करना है, ओके तो फर्स्ट पॉइंट दे रखा है -2.4। तो -2.4 हम पहले तो यहाँ देख लेते हैं, ठीक है। तो -2 पहले हम एक्स एक्सिस पे देखेंगे, तो एक्स एक्सिस पे देखा हमने -2 ये आ रहा है, और -4 तो 4 के सामने आएंगे हम, 4 वाई एक्सिस पर देखेंगे, वाई एक्सिस पर यह है, तो -2 के सामने हम 4 की लाइन में आ जाएंगे। तो यहाँ पर हमने देखा ये पॉइंट आ गया, इसको सर्किल बनाएंगे, ठीक है, और ये लिख देंगे हम -2.4। तो इस तरह से हमने देखा ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है, तो हम यहाँ लिखेंगे -2.4 लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, ओके। नेक्स्ट पॉइंट 3.-1 हमें देखना है कि किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो 3 एक्स एक्सिस पर देख लेते हैं पहले, तो हमने एक्स एक्सिस पर देखा 3 ये आ रहा है, और दूसरा -1 है वाई एक्सिस का, तो -1 वाई एक्सिस पर ये आ रहा है, तो 3 पर आने के बाद हम -1 के सामने आएंगे, तो हमने यहाँ पर देखा तो ये 3.-1 पॉइंट हमें मिल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर हम लिख देंगे 3.-1, और हमने देखा कि ये लास्ट क्वाड्रेंट मींस फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो हम यहाँ लिखेंगे 3.-1 लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, ओके। नेक्स्ट सी पार्ट -1.0, हमें अब देखना है -1.0 कहाँ लाई करेगा। तो एक्स एक्सिस पर हमने -1 ये रहा -1 देखा, और 0 इसके सामने ही है वाई एक्सिस पे 0, तो इसका मतलब यहीं पर रहेंगे, और ये हमारा हो जाएगा पॉइंट -1.0, ओके। तो इस तरह से हमने देखा -1.0 किसी क्वाड्रेंट में नहीं आता है, एक्सिस पर आता है, और कौन सी एक्सिस है ये एक्स एक्सिस, और एक्स एक्सिस में ये राइट साइड वाली पॉजिटिव होती है और लेफ्ट वाली नेगेटिव, तो एक्स की नेगेटिव एक्सिस है, ठीक है। तो इसके लिए हम लिखेंगे -1.0 लाइज ऑन द नेगेटिव एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस जो नेगेटिव वाली है उस पर लाई करेगा, तो नेगेटिव एक्स एक्सिस इसके लिए हम लिखेंगे, ओके। नेक्स्ट पॉइंट 1.2 हमें चेक करना है कौन सी क्वाड्रेंट में ये आता है। तो 1.2 के लिए पहले हम 1 पर आ जाते हैं एक्स एक्सिस में, 1 और 2, ये 2 यहाँ पर रहा वाई का, तो इसके सामने आ जाएंगे, तो ये हमारा पॉइंट हो गया 1.2, ओके। तो ये हमने पॉइंट लोकेट किया, और लिख दीजिए इसको 1.2। तो 1.2 हम देख रहे हैं यहाँ पर फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है, तो इसके लिए लिख देंगे 1.2 लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, ओके। नेक्स्ट ई पार्ट -3.-5। अब -3.-5 के लिए हम पहले एक्स एक्सिस पर -3 देखेंगे, ये हमारा -3 यहाँ पर आ गया, और -5 के लिए हमें नीचे जाना होगा, वाई एक्सिस में नीचे मिलेगा, तो -5 ये रहा, तो उसके सामने हम आ जाएंगे, और यहाँ पर ये हमारा पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। तो -3.-5 लोकेट किया हमने, और यहाँ पर हम लिख देंगे -3.-5, ओके। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो इसके लिए हम लिखेंगे -3.-5 लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट, ओके। तो ये हमारे पॉइंट्स थे जो हमें लोकेट करने थे, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, प्लॉट द पॉइंट्स x, y गिवन इन द फॉलोइंग टेबल ऑन द प्लेन चूजिंग सूटेबल यूनिट्स ऑफ डिस्टेंस ऑन द एक्सिस। तो यहाँ पर अब हमें टेबल दे रखी है, इसमें पॉइंट्स दे रखे हैं कुछ, और वो हमें यहाँ पर प्लॉट करना है, ठीक है। तो ये प्लेन जो हमने बनाया कार्टेशियन प्लेन, उस पर प्लॉट करते हैं। तो फर्स्ट एक्स की वैल्यूज़ दे रखी हैं, दूसरे रो में वाई की वैल्यूज़ दे रखी हैं, तो हम -2.8 ये पहली वैल्यू है वो हम लेंगे, ठीक है, पहला पॉइंट इस वैल्यू से लोकेट करेंगे। तो -2.8, तो -2 हमें एक्स एक्सिस पे -2 हमने देखा ये है, और 8 जो है वाई एक्सिस पे इसी लाइन में चलते हुए 8 के सामने आ जाएंगे, तो ये मिला हमें पॉइंट -2.8, तो इसको लिखेंगे -2.8। तो ये फर्स्ट पॉइंट हमारा लोकेट हो गया है। नेक्स्ट पॉइंट -1.7, ओके। तो फिर से एक्स एक्सिस पे हमने -1 देखा, यहाँ पर ये रहा, और वाई एक्सिस पे जो 7 है, तो -1 के सामने ही चलते हुए हम यहाँ पर 7 के सामने आएंगे, और ये हमारा पॉइंट हमें मिल गया है, और इसका हम नाम लिख देंगे -1.7।
7. Okay. Next, third point, 0, comma, minus 1.25. तो 0 x एक्सिस पर, 0 यहाँ पर हो गया, और अब y एक्सिस पे माइनस 1 और उसके आगे थोड़ा सा बढ़ेंगे मिल जाएगा ये. तो 0 कॉमा माइनस 1.25 इसको लिख देंगे हम, 0 कॉमा माइनस 1.25. ओके, नेक्स्ट 1 कॉमा 3. तो x एक्सिस पे हमने देखा 1 ये है, और 3 y एक्सिस में 3 के लिए हम ऊपर आएंगे, तो ये हमें पॉइंट मिल जाएगा 1 कॉमा 3. तो इसका नाम लिख दीजिएगा 1 कॉमा 3. एंड द लास्ट वन 3 कॉमा माइनस 1. 3 x एक्सिस पे 3 हमने देखा ये है, और माइनस 1 के लिए माइनस 1 y एक्सिस में नीचे मिलेगा हमें, तो ये पॉइंट हो गया हमारा 3 कॉमा माइनस 1. ओके, तो इस तरह से इन सारे पॉइंट्स को लोकेट करेंगे. लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के बीच शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. हम जो भी नए वीडियोस अपलोड करेंगे उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगी अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब किया है तब. इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए.